गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसे आप इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का जनक भी कह सकते हैं। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। माइकल मधुसूदन दत्त या माइकल मधुसूदन दत्ता, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं तब सबसे पहले यही नाम दिमाग में आता है। इनका जन्म 25 जनवरी 1824 में जशोर डिस्ट्रिक्ट, जो कि उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी में था, वहाँ हुआ था। अभी यह जगह बांग्लादेश में है। वे एक प्रसिद्ध कवि और ड्रामेटिस्ट थे। इनके पिता का नाम राजनारायण दत्त और माता का नाम जानवी देवी था। बचपन से वो पढ़ाई में काफ़ी तेज थे। इंग्लिश लिटरेचर में उनकी रुचि बढ़ने का कारण थे उनके टीचर डेविड लेस्टर रिचर्डसन, जो कि हिंदू कॉलेज में उन्हें पढ़ाते थे। वो खुद भी एक कवि थे। 17 साल की उम्र में मधुसूदन दत्त ने इंग्लिश पोइट्री लिखना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी कविताओं को पब्लिश करवाने के लिए कई बार उन्हें इंग्लैंड भी भेजा, परंतु उनकी इंग्लिश लिटरेचर की जो रचनाएं हैं वो इंग्लैंड में कभी भी पब्लिश नहीं हो पाई। गौरदास बाइसेक मधुसूदन दत्त के एक बहुत अच्छे दोस्त थे और मधुसूदन दत्त की सभी रचनाओं का संग्रह उनके पास था। गौरदास स्वयं भी एक लेखक थे। दत्त हिंदू कॉलेज के छात्र थे। वो एक इंग्लिश पोइट बनना चाहते थे और फेम पाने के लिए वे इंग्लैंड भी गए। उनके पिता राजनारायण दत्त उनके विचारों से सहमत नहीं थे। उनके पिता उनकी अरेंज मैरिज करवाना चाहते थे, परंतु मधुसूदन ने इसके लिए मना कर दिया था। दत्त को एक क्रिश्चियन लड़की से प्यार हो गया और उन्होंने उससे शादी कर ली। उन्होंने क्रिश्चियन धर्म स्वीकार किया और हिंदू कॉलेज छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने बिशप कॉलेज ज्वाइन किया। आर्थिक तंगी के कारण उन्हें बिशप कॉलेज छोड़ना पड़ा और वो मद्रास चले गए। इसके बाद उन्होंने मद्रास में ही अपनी रचनाओं का निर्माण किया। 1862 में वो इंग्लैंड गए। इंग्लैंड से वो वकालत की डिग्री लेकर लौटे और कोलकाता हाईकोर्ट में उन्होंने वकालत का काम शुरू किया। मधुसूदन बंगाली लिटरेचर के एक महान कवि थे। उन्हें बंगाली सोनेट का जनक कहा जाता है। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बंगाली प्लेस को इंग्लिश में लिखा। अब देखते हैं मधुसूदन दत्त की कुछ प्रमुख रचनाएं। किंग पोरस, द कैप्टिव लेडी, रतुल पोत्र, शर्मिष्ठा, पद्मावती, एक एक की बोले सायोतो, कृष्णा कुमारी, बुरो शैलीकर घरे रौन, तिलोत्मा संभाव काव्य, मेघनाद वध काव्य, ब्रजगाना काव्य, वीरांगना काव्य, रत्नावली, नी दर्पण, चौतुर दोषो पौड़ी कोबी तो बोली, रिजिया, द सुल्तान ऑफ इंडे, रोसोलो, सौर्ण लौतिका, बोंगोवानी, सोनेट्स एंड अदर पोएम्स, बोंगो भूमिर प्रति, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसमें से दो फेमस रचनाएं थी, मेघनाथ बध काव्य और रत्नावली। तो देखते हैं मेघनाथ बध काव्य क्या है। यह 1861 में पब्लिश हुई। यह बंगाली एपिक पोइम है। बंगाली लिटरेचर की प्रमुख रचना और मधुसूदन दत्त की महान रचनाओं में से एक है। यह काव्य मेघनाथ के वध के बारे में है। मेघनाथ, जो कि रामायण में रावण का पुत्र था, इस पोएम को 9 कैंटोस में बांटा गया है। हर एक पार्ट में अलग अलग घटनाएं हैं। बीरबाहु, यानी जो रावण का पुत्र था बीरबाहु, उसकी मृत्यु से लेकर प्रमिला, जो कि मेघनाथ की पत्नी थी, उसके सती होने तक की सारी घटनाएं इस मेघनाथ बध काव्य में है। दूसरी जो प्रमुख रचना है इनकी, वो है रत्नावली। यह एक संस्कृत ड्रामा है जो कि राजकुमारी रत्नावली और महान राजा उदयन पर आधारित है। यह भारत के महान शासक हर्ष के बारे में जानकारी देती है।
इस नाटक में जो है वो चार एक्ट हैं। मधुसूदन दत्त की मृत्यु 1873 में हुई। इनकी मृत्यु के बाद 15 साल तक उन्हें अनदेखा किया गया। उनकी याद में उनकी कब्र पर एक टॉम्ब बनाया गया, जो कि आप अभी पिक्चर में देख सकते हैं। ईश्वर चंद विद्यासागर ने इनके काव्य मेघनाद बध के बारे में कहा है कि मेघनाद बध एक सुप्रीम पोएम है। और श्री अरबिंदो ने कहा है, ऑल द स्ट्रोमिस्ट पैशन ऑफ मैन सोल ही एक्सप्रेस्ड इन गिग्नेटिक लैंग्वेज। तो ये था आज का विषय, माइकल मधुसूदन दत्त। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत।